DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12th. 50% discount on girls fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. शनिवार को अजमेर के अजयनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोशल मीडिया पर मीडिया हाउस नाम के एक अकाउंट से झूठी कोरोना पॉजिटिव की जानकारी वायरल होने लगी। जैसे ही ये झूठी तस्वीर वायरल हुई, वैसे ही डॉक्टर के यहां दिखाने आने वाले मरीज परेशान होने लगे। उसी दौरान एनपीटीवी इंडिया को एक जागरूक नागरिक ने ये फेक वायरल पोस्ट भेजी और इसकी सच्चाई का पता कर शहरवासियों को सच्चाई बताने का आग्रह किया। हमने भी हमारी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस फेक वायरल पोस्ट की पड़ताल की। पड़ताल में हमें पता चला कि लॉकडाउन के दौरान जब कोरोना योद्धा अपनी सेवाएं दे रहे थे, तभी 1 अप्रैल को मीडिया हाउस नाम से एक पेज फेसबुक पर तैयार किया गया और यहां पर विश्वसनीय मीडिया की खबरों को अपनी खबरें बताकर पोस्ट करने का काम शुरू हुआ। लेकिन जब अनलॉक 1 की शुरुआत हुई तो सोशल मीडिया पर मीडिया हाउस के संचालक ने एक फेक पोस्ट वायरल कर दी जिसमें अजय नगर के मशहूर डॉक्टर डी लोगानी और सब्जी मंडी के अध्यक्ष को कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया। और इसी फेक पोस्ट के वायरल होने के बाद अजमेर में हड़कंप मचा। वहीं पूरे मामले की जानकारी जब डॉक्टर डी लोगानी को हुई तो उन्होंने सोशल मीडिया पर मीडिया हाउस के संचालक के खिलाफ अफवाहें फैलाने और झूठी पोस्ट वायरल करने पर कानूनी कार्रवाई की बात की तो संचालक ने उनसे माफी मांग ली और एक नई पोस्ट वायरल की जिसमें पूर्व में पोस्ट की गई फेक पोस्ट पर अपनी सफाई पेश की। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई मीडिया हाउस है तो फिर ऐसी फेक पोस्ट कैसे दे सकता है। दरअसल इस नाम के साथ ही कई भ्रांतियां शुरू होती है, इसीलिए हमने और आगे पड़ताल की तो हमें पता चला कि मीडिया हाउस के संचालक हैं भरत वाधवानी जो एक आउटडोर एजेंसी चलाते हैं। इनका पत्रकारिता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और इसी वजह से इनसे ये फेक पोस्ट वायरल हो गई। एनपीटीवी इंडिया की आपसे अपील है कि ऐसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली किसी पोस्ट पर यकीन ना करें। खैर, हमने डॉक्टर डी लागानी से फोन पर बातचीत की, आप भी सुनिए उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर लोगानी और जिनके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर मीडिया हाउस नाम से एक फेसबुक पेज है और फेसबुक पेज के जरिए से इनके लिए कहा गया था कि ये कोरोना पॉजिटिव आए। डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, एनपीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे इस तरीके की एक पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर बहुत वायरल हो रही है, इसकी क्या सच्चाई है? जी, ये सरासर गलत है। हमारे पास 3 दिन पहले 3 तारीख को एक पेशेंट आया था, उस टाइम उसकी हेलो हाँ जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। 3 तारीख को एक लेडी पेशेंट आई थी चंद्रोदय नगर की, तो उस टाइम उसको मालूम नहीं था कि वो पॉजिटिव है। शाम को आई थी, उसको दस्त उल्टी हो गए थे, तो हमने उसको ट्रीटमेंट दिया। लेकिन उसके आधे घंटे बाद हमको मालूम पड़ा उसकी रिपोर्ट आ गई, वो पॉजिटिव है। तो हमने एहतियात के तौर पर क्लिनिक बंद की, सैनिटाइज किया और दूसरे दिन हमारे सारे स्टाफ की टेस्टिंग कराई। 2 दिन तक क्लिनिक सैनिटाइज करके बंद रख दी। इस दौरान ये अपन उड़ती रही कि डॉक्टर साहब को कोरोना हो गया, एम्बुलेंस उतार गए हैं, पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव आया, इस तरह की उल्लू जुलूल आती रही, जबकि हमारे सारे स्टाफ की और मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। तो अभी बारे में आज मीडिया वाले ने भी लिखा कि डॉक्टर लोगानी अजय नगर के जो डॉक्टर है उनका कोरोना पॉजिटिव है। इस तरह की अफवाहें आ रही थी, उनको हमने मना भी किया, ये क्या करे, फिर माफी मांगने लग गया। मैंने फिर पूछना चाहिए था मेरे से कम से कम, क्लिनिक बंद तो हमने पेशेंट की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से की थी सैनिटाइज करके, उसका उन्होंने गलत मतलब निकाल लिया लोगों ने। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, तो आप पूरी तरीके से इस वक्त स्वस्थ हैं? हाँ, मैं क्लिनिक पे बैठा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं है, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मेरे स्टाफ की भी नेगेटिव आई है। ठीक है, मैंने आगे होके इन्फॉर्म किया था मेडिकल हेल्थ ऑफिसर को कि ये वाकया हुआ, तो उन्होंने साफ टेस्ट करा लो, हमने सबने टेस्ट करा लिया। एक बात हम डॉक्टर साहब आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि लगातार सोशल मीडिया पर कई लोग हैं जो कुछ भी किसी भी प्रकार से पोस्ट को लिखकर वायरल कर देते हैं और उसको लोग फिर वायरल करना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में लोग मतलब क्या सावधानियां रखें, कुछ आप संदेश देना चाहेंगे उनको? नहीं, वायरल कोई भी रिपोर्ट वायरल करने से पहले
उसके बारे में सच्चाई जानना जरूरी है, बिना सोचे समझे वायरल करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी इमेज को खतरा रहता है। जैसे हमारे बारे में फैलाया कि कोरोना पॉजिटिव है, तो इससे हमारे पास पेशेंट आना कम हो जाएंगे, पेशेंट आने में डरेंगे। और आपको मालूम है कितना डर बैठा हुआ कोरोना का, तो इस तरह की बिना सोचे समझे कोई भी पोस्ट वायरल करना ठीक नहीं है। क्या डॉक्टर साहब इस पोस्ट के ऊपर कोई आप कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे हैं? उनसे उन्होंने माफी मांगी लिखित में, और अपनी पोस्ट उन्होंने चेंज की है। अभी सही रिपोर्ट दी है कि हमसे गलती हुई है, हमने जो पॉजिटिव रिपोर्ट दी थी एक्चुअल में नेगेटिव थी, डॉक्टर साहब कभी पॉजिटिव थे ही नहीं। फिर उन्होंने अपना करेक्शन किया और माफी मांगी, उनके घर वाले भी माफी मांग के गए कि कार्रवाई मत करो, नहीं तो मैंने मानस बना लिया था कि मैं एनपी क्राफ्ट केस दर्ज करूंगा। एनपीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।